2020 ये साल भी हर उस नई उम्मीदों के साथ शुरू हुआ जिस तरीके से हर एक नया साल शुरू होता है। मेरे भी छोटे छोटे गोल्स थे, एस्पिरेशंस थे जो मैं इस साल में अचीव करना चाहता था, जैसे कि अपने क्राफ्ट में बेटर होना। मैं फोटोग्राफी एंड फिल्म मेकिंग करता हूँ, तो आई वांटेड टू ग्रो मोर इन दैट। मैं उसमें ज़्यादा अचीव करूँ, सीखूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्टेड हूँ एंड आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ माय फियर ऑफ टॉकिंग टू पीपल, या फिर मेरी इनसिक्योरिटी जो होती है मैं कैमरा के आगे आगे बोलने में जो मेरे को डर लगता है, आई वांटेड टू गेट रिड ऑफ दैट। तो वो एक और गोल था मेरा। एक और मेरा गोल था कि मैं यूट्यूब चैनल शुरू करूँ, दैट इज़ बिकॉज कि अगर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा एंड बोलूँगा तो आई विल गेट रिड ऑफ द फियर जो मेरे पास इंट्रोवर्टिज्म की वजह से है। सो ये मेरे कुछ छोटे छोटे गोल्स थे जो मेरे को अचीव करने थे 2020 में। 2020 में बहुत सारी नई चीज़ें हुई मेरे साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा या फिर मैं इतना कुछ कर पाऊँगा। आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब, आई क्विट माई फर्स्ट जॉब, आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, आई मेट न्यू पीपल। ऐसे मेरे क्लाइंट से मेरी मुलाकात हुई जो कि बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं एंड वी आर इन अ गुड रिलेशन नाउ एंड हम बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। आई स्टार्टेड वर्किंग इन द एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग, मैंने वीडियोज़ बनाई, कॉर्पोरेट वीडियोज़, एड वीडियोज़, क्लाइंट्स के लिए वीडियोज़ बनाई काफ़ी सारी। मैंने नया इक्विपमेंट खरीदा जो कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं खुद खरीद पाऊंगा। कुछ मैंने खुद से खरीदा, कुछ मेरे घर वालों ने मेरे को सपोर्ट किया एंड दे गिव मनी फॉर इट। तो आई एक्वायर्ड दोज थिंग्स। मैंने एक प्रॉपर फीचर फिल्म की शूटिंग में काम किया था, आई वर्क फॉर अ डे फॉर देम एंड उनके लिए शूट किया था। एंड फाइनली आई मेड वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट्री ऑफ माई लाइफ, मैंने अपनी जिंदगी की पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद इट। ऑल ऑफ दिस हैपेंड इन 2020, वही 2020 जिसको लोग बोलते हैं कि इसका स्किप बटन होना चाहिए था या फिर ये बहुत ही ज़्यादा बेकार साल है। एंड ऑब्वियसली दिस हैज़ बीन अ रफ ईयर फॉर ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ अस। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे साथ इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी या फिर मैंने सब कुछ उखाड़ लिया इस साल के अंदर। बहुत सी चीज़ें हुई, आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल एंड इट डिडंट वर्क आउट, वो उतना ग्रो नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मेरा इंस्टाग्राम इतना ग्रो नहीं हुआ जितना आई थॉट कि होना चाहिए था। आई कुडंट कम्प्लीट वन और टू क्लाइंट प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जिनके बारे में आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी टू वर्क ऑन, जो कम्प्लीट नहीं हो पाए एंड अ लॉट ऑफ दैट ऑल्सो हैपेंड इन 2020। बट दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मैंने क्या उखाड़ा और मैंने क्या नहीं उखाड़ा 2020 में। दिस वीडियो इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रे एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रे इज As the greats say, nothing is black, nothing is white, but everything has a touch of grey. Which means, no matter how hard your 2020 went, कितना भी बुरा तुम्हारा 2020 गया हो, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा, which made you smile, which made you learn, grow, achieve, and feel something. तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा जिसमें तुम्हें अचीवमेंट मिला होगा, तुमने कुछ ना कुछ ऐसा पाया होगा जिसको पाके तुम्हें खुशी मिली होगी, तुम्हें ऐसा लगा होगा कि तुमने कुछ अचीव किया है डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट ब्लैक पार्ट, जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ, जो भी तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए था या फिर जो भी तुमने सोचा वो होगा वैसा नहीं हुआ। उसके अलावा भी तुम्हारे साथ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जिनके होने की वजह से तुम्हें खुशी मिली होगी एंड तुम एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचे होगे अपने लाइफ में, तुमने ग्रो किया होगा। एंड इस वीडियो से मेरा बस यही मकसद है कि आई वांट यू गाइस टू चेरिश दोज वाइट मोमेंट्स एज वेल एज जो भी ब्लैक हुआ, जो भी गलत हुआ, उसके साथ साथ जो कुछ भी अच्छा हुआ। चाहे तुम्हारे साथ कोई भी छोटी सी चीज़ तुमने खरीदी हो जो तुम बहुत टाइम से चाह रहे हो, या फिर कहीं जाना चाहते हो, 2020 के खत्म होते हुए तुम गए, तुमने मिले, तुम दोस्तों से मिले, तुमने कुछ ग्रो किया, तुमने सीखा, उन मोमेंट्स को चेरिश करो एंड एंड द ईयर 2020 विद दैट सेटिस्फैक्शन, विद दैट हैप्पीनेस। That is about it. That's it with this video. I hope you guys achieved something very good. I hope you guys had a decent year. खराब तो सबके साथ था पर उसमें I hope तुम कुछ ना कुछ सही निकाल पाओ। Thank you 2020. Welcome 2021.